नागपुर के क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई कर अब्दुल रहमान उर्फ रम्मू नामक कुख्यात तड़ीपार किए गए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से उस दौरान पूछताछ भी की गई, जिसमें उसने शांतिनगर इलाके में चोरी किए जाने की बात कबूल की। उस दौरान आरोपी से एक हथियार सहित 10 ग्राम सोने के गहने भी जब्त किए गए और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक महेश तागड़े द्वारा दी गई है। जो अब्दुल रहमान उर्फ रम्मू करके जो क्या आरोपी है, वो शांतिनगर पुलिस थाने से पिछले 9 महीने से तड़ीपार है और हमको हमारे टीम को उसके बारे में जानकारी मिली थी। एपीआई मोरे साहब, पीएसआई काटोके साहब और उनकी टीम ने उसको ताबे में लेके उससे पूछताछ की, तो उसके पास जब वो मिला तो हमको एक वेपन भी मिला था, तो हमने उसके ऊपर आरमैक 425 की कार्रवाई की। बाकी इंट्रोगेशन में उसने एक शांतिनगर पुलिस स्टेशन के हद में घरपुड़ी का गुनाह किया, वो भी हमने उसमें से 10 ग्राम सोना जो है वो 10 ग्राम सोना भी रिकवर किया है। यशोधरा नगर के गुने में वो फरार था, उसका भी हमको जानकारी मिलने के बाद हमने यशोधरा वालों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया है, उसको अगली कार्रवाई के लिए शांतिनगर पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर किया है। ये जो कामगिरी है यूनिट 3 क्राइम ब्रांच के एपीआई मोरे, पीएसआई काठो के हमारे पुलिस कांस्टेबल दीपक दासरवार और बाकी सब टीम ने मिलकर किया है। इसके पास से टोटल एक तो 425 का आरमैक का गुना हमने उसके ऊपर दाखिल किया और 2 गुने उससे ओपन हो गए, उसमें से एक जो है शांतिनगर पुलिस स्टेशन का, उसमें हमने तकरीबन 60,000 रुपये का मुद्देमाल, 10 ग्राम सोना रिकवर किया है और एक यशोधरा नगर के पुलिस स्टेशन के गुने में भी वो फरारी था, तो वो भी गुना उससे ओपन हुआ है।